मौजूदा आपके साथ क्यों हुआ है? अल्लाह ताला ने आपको क्यों चूज़ किया? मैं को बड़ा रिचुअली बड़ा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। हाउएवर आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल गाय इन माई गॉड। वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आई बिलीव इन मुझे दुआओं पर बहुत बिलीफ है। मुझे बहुत बिलीफ है इस बात पर कि दूसरे लोगों की दुआएँ आपको लगती हैं। सो मेरा ईमान ये है कि ये शायद मेरी कोई ऐसी अदा है जो मुझे नहीं पता कि कौन सी है, जो जिसकी कोई दुआ किस्मत क्या मेरे अल्लाह ताला को पसंद आ गई, जिसकी वजह से उसने मुझे जो है वो ये दूसरी ज़िंदगी दी। जिस वक्त ये सानेहा हुआ तो ऑब्वियसली तमाम लोगों को खबर मिल चुकी थी, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था, तो आपके घर वाले रिलैक्स थे या उनको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ होने वाला है, या उनको ये पता था कि कोई मौजज़ा हो जाएगा, आप बच जाएंगे, कुछ कुछ ऐसा क्या क्या फीलिंग थी आपके घर वालों की? वालिद और वालदा यहाँ घर पे ही थे, तो जब खबर आई मेरी वालदा को तो ऑब्वियसली शी लॉस्ट इट टोटली। मेरी भाभी और मेरे भाई और सब लोग जो थे देवर वेरी वेरी अपसेट कि ये क्या हुआ है। देवर यू नो रिएक्टिंग इन अ वेरी जिस तरह नेचुरल रिएक्शन होता है, एक्सेप्ट फॉर माई फादर। माई फादर रिमेंड वेरी कंपोज्ड एंड ही इज़ बिन सेइंग ऑल अलॉन्ग कि नहीं नहीं ही विल बी फाइन। तो वो उनको बाकियों को ये स्ट्रेंथ दे रहे थे, या वो उनको जेन्युइनली ये बिलीव था। उन्होंने भी मुझे बाद में ये बताया कि मुझे काफ़ी यकीन था इस बात पर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड व्हेन आई कॉल्ड, मैंने हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ तो पहली चीज़ मैंने जो पूछी थी वो ये पूछी थी कि जो मेरे फेलो पैसेंजर हैं उनका क्या हुआ, क्योंकि एक बहुत बेशक मैं उन लोगों को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था उन लोगों का, लेकिन एक आपकी उनके साथ एसोसिएशन है, एक आप यू वर इन द सेम बोट। दूसरा जो था वो मैंने गुजारिश की थी वहाँ पर डॉक्टर से कि जी मुझे फ़ोन दे दें, आई नीड टू कॉल अप माई मदर। मैंने जब फ़ोन किया तो मेरी वालदा का फ़ोन तो बंद आ रहा था, फिर मैंने वालद को फ़ोन किया तो मेरी वालद से बात हुई तो ही वॉज कम्पोज्ड, ही वॉज़ फाइन ऑन द फ़ोन। वो कोई उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है वेरी गुड बेटा एंड बस ठीक है हम आते हैं। बट द वे आई ऑल्सो हैड दैट कन्विक्शन। तो ये जो 25 सेकंड का टाइम है जब वो दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि वो जहाज़ जो है वो यू नो नोज़ डाइव कर रहा है, लगा मुझे ऐसे कि वो नोज़ डाइव कर रहा है, तो एट दैट टाइम आई आस्क माय गॉड एंड आई डू दैट ऑल द टाइम, अपने आप अल्लाह ताला से बहुत बातें करता हूँ। आई आस्क माय गॉड के अल्लाह ताला टाइम आ गया, तो आगे से आवाज़ आई कि तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया। मैंने कहा या अल्लाह ये तो क्रैश इज़ अनवीटेबल, ये तो हो रहा है, यानी क्रैश हो रहा है, बट यू विल सर्वाइव, यू विल नॉट डाई। एंड आई डोंट नो वेयर दिस कन्विक्शन वॉज कमिंग फ्रॉम, आई डोंट नो हाउ दैट साउंड केम इन माई माइंड, रेजोनेटेड इन मी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। ये जो आप बता रहे हैं ये अकीदे वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपके मातहत बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, तो आपके मातहत लोगों के साथ आपका रवैया? जो बंदा आपसे कमज़ोर है उससे हमेशा जो है ना कोशिश ये करो कि तुम उससे कोई ना बदतमीज़ी करो ना उसको दबाने की कोशिश करो, बिकॉज वो आपको आगे से जवाब नहीं दे सकता। सर लाइफ में चेंज आया है इस हादसे के बाद? मेजर सब्सटेंशियल चेंज है। Substantial change ये है कि I could feel that I have kind of settled in my personality. God has been very very kind on me always. But the kind of fame and जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, प्यार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे experiences. Compensation की जो बात की गई थी वो जो ज़िंदगी चली गई उसका तो कोई निर्मल बदल नहीं है। मेरे केस में तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ज़रूरत नहीं थी पीआई की कॉम्पनसेशन की, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया उनसे। लेकिन मैंने सुना ये है कि ज़ुबैर के केस में उन्होंने इलाज के पैसे भी पूरे पूरे दिए, विच इज़ वेरी गुड जेस्चर ऑन देयर पार्ट। प्लस वो जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी उन्होंने कुछ डबल करवाए हैं फॉर एवरीबडी। पहला सफ़र 4 महीने के बाद किया, इतना बड़ा सानिया होने के बाद वैसे ही आप ये हवाई सफ़र करना एक खौफ, और आपने फिर चूज़ भी पीआई को ही किया, उसकी कोई खास रीजन? आई कॉन्ट लिव विद द फियर दैट यू नो आई कैन नेवर बी एबल टू फ्लाई एवर, एंड इफ आई एंड पर्टिकुलरली ऑन एनी पर्टिकुलर एयरलाइन ऑन एन पर्टिकुलर रूट, दैट्स नॉट मी। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस एंड आई लाइक टू लिव थ्रू दोज चैलेंजेस। देखिए जो ये नेशनल एसेट्स हैं ये हमारे एसेट हैं,
लिहाजा इनको ठीक करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू बायकॉट देम टोटली एंड लेट देम बी ऑन देयर ओन एंड से ठीक है यार तुम करो जो करना है तुमने, मैं आई विल गो माय वे यू गो योर वे, और टू टेक देम हेड ऑन एंड वर्क विद देम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस नेशनल एसेट्स. आई चोज द सेकेंड वन. मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश नहीं कर रहा पी आई ए का, बट मैं बिलीव करता हूँ कि नेशनल एसेट्स को ठीक करना चाहिए. अजमो हिम्मत की मिसाल है सर आप, एक मौजज़ा, एक पहले सानहा हुआ, सानहा के बाद वो आपकी ज़िंदगी, आपको जो अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी वो एक मौजज़ा हुआ, और उसके बाद जो आप सोचते हैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.